नमस्कार, मैं आस्था चौहान, आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में स्वागत करती हूं। और आइए देखते हैं खबरें खेल जगत से। दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल का महाकुंभ फीफा विश्व कप रूस में अगले सप्ताह से शुरू हो रहा है। 32 टीमों की इस जंग में दांव पर सिर्फ फुटबॉल की बादशाहत और 18 कैरेट की चमचमाती सोने की ट्रॉफी ही नहीं होगी, बल्कि जीतने वाली टीम पर डॉलर की बरसात भी होने वाली है। फीफा ने इस बार अपने विश्व कप में नए फीचर जोड़े हैं, जिनमें चिप लगी गेंद के साथ नए सिरे से इनामी राशि का बंटवारा शामिल है। इस बार फीफा विश्व कप 2018 में कुल इनामी राशि 79,10,00,000 है। दुनिया की बेस्ट महिला क्रिकेटरों में शुमार भारत की मिताली राज ने अपने नाम वो रिकॉर्ड कर डाला है जो चाहकर भी कोई पुरुष क्रिकेटर नहीं तोड़ पाएगा। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट में गुरुवार को उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 23 रनों की पारी खेली। 33 गेंद पर 23 रनों की पारी के दौरान मिताली राज ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 रनों का आंकड़ा छू लिया। ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई है। मिताली से पहले ये कारनामा कोई पुरुष क्रिकेटर भी नहीं कर सका था। इस तरह से सबसे पहले 2000 T20 इंटरनेशनल रनों का आंकड़ा छूने वाली मिताली हमेशा पहली भारतीय रहेगी। दुनिया के महानतम क्रिकेटरों में शुमार भारत के पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को श्रीलंका दौरे के लिए भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम में चुना गया है। गुरुवार को उन्हें टीम में शामिल किया गया और इसके बाद से वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। अर्जुन की उम्र 18 साल है, वो भारत के लिए पहली बार नीली जर्सी में खेलते दिखाई दे सकते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच माइक हैसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हैसन ने कहा है कि वो जुलाई के अंत में टीम से अलग हो जाएंगे। हैसन ने 6 साल तक कीवी टीम को अपनी सेवाएं देने के बाद अलग होने का फैसला किया है। गुरुवार को ऑकलैंड में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में हैसन ने अपने इस्तीफे की पुष्टि की। क्रिकेट न्यूजीलैंड ने अपने बयान में कहा है कि हैसन ने मुख्य पद छोड़ने के बाद किसी अन्य टीम के साथ जुड़ने की बात नहीं कही है। वो अंतहीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से तंग आ गए हैं और अब अपने बच्चों और पत्नी के साथ समय बिताना चाहते हैं। पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग को आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम के कोचिंग स्टाफ में शामिल किया गया है। वो मुख्य कोच जस्टिन लैंगर के साथ मिलकर काम करेंगे। ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड में 5 वनडे 1 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। cricket.com.au की रिपोर्ट के मुताबिक पॉन्टिंग इससे पहले 2 बार ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम के सहायक कोच रह चुके हैं। वो कॉमेंट्री के साथ अपने पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को लगातार दूसरे साल 2016-17 और 2017-18 देश का सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल क्रिकेटर चुना गया है। उन्हें प्रतिष्ठित पॉली उमरीगर अवार्ड 12 जून को बैंगलोर में आयोजित होने वाले समारोह में दिया जाएगा। इसकी घोषणा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने गुरुवार को दी। इसी दिन PCCI इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लेवल पर अवार्ड जीतने वाले अन्य विजेताओं को भी सम्मानित करेगा। अफगानिस्तान ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर बांग्लादेश को हराकर अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय T20 सीरीज में 3 स्वीप करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की। गुरुवार को तीसरे एवं आखिरी T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में स्पिनर राशिद खान की बेहतरीन गेंदबाजी की मदद से अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 1 रन से हरा दिया और सीरीज 3-0 से जीत ली। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के धमाकेदार बल्लेबाजी के तो सभी कायल है, लेकिन शिखर धवन बल्लेबाजी के अलावा भी कुछ ऐसा हुनर रखते हैं जो कई लोगों को चौंका सकता है। जी हाँ, टीम इंडिया का ये बल्लेबाज बांसुरी बजाने का ऐसा हुनर रखता है जो उनके जानने वालों को चौंका सकता है। टीम इंडिया के खिलाड़ी IPL के बाद अभी आराम कर रहे हैं। ऐसे में शिखर धवन ने अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो बांसुरी बजाते हुए दिख रहे हैं। उनके इस नए अवतार पर हर कोई हैरान है।
अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।